नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता पास हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सदन में इस विधेयक को पेश किया था। विधेयक में मुख्य रूप से महिला अधिकारों को संरक्षण को केंद्र में रखा गया है और कुल 192 पृष्ठों के विधेयक को 4 खंडों विवाह और विवाह विच्छेद, उत्तराधिकार, लिव इन रिलेशनशिप और विविध में विभाजित किया गया है। विधेयक के पारित होने के बाद इसे राजभवन और फिर राष्ट्रपति भवन को स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। वहीं विधानसभा में विधेयक पारित होने के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि देवभूमि उत्तराखंड का यूसीसी मॉडल पूरे देश के लिए नजीर साबित होगा। सीएम धामी ने सभी प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं भी दी। सबसे पहले तो मैं अपने मीडिया के सभी मित्रों का सबका दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोगों ने लगातार जिस दिन से हम समान नागरिक संहिता कानून को बनाने के लिए जिस दिन हमने संकल्प लिया था, वो संकल्प था, वो दिन संकल्प देने का दिन था 12 फरवरी 2022 और तब से लेकर आज जब ये विधेयक के रूप में पारित हो गया है, विधेयक बन गया है, आप सब लोगों का, आप सबका बहुत प्रेम, बहुत सहयोग और इसको जन जन तक पहुंचाने का काम उत्तराखंड के अंदर आप सब लोगों के माध्यम से हुआ है। आज का ये दिन उत्तराखंड के लिए बहुत विशेष दिन है। आज देवभूमि के अंदर, देवभूमि की इस विधानसभा ने आज ये विशेष विधेयक, जिसकी लंबे समय से देश के अंदर लगातार लोगों को प्रतीक्षा थी, लगातार जिसकी मांग उठती रही थी, जो बरसों बरसों का इंतजार था, वो देवभूमि उत्तराखंड के अंदर इसकी शुरुआत हुई है और विधानसभा के अंदर आज इसको पारित किया गया है। इसके लिए मैं उत्तराखंड विधानसभा के सभी सदस्यों का, सभी अपने सहयोगियों का धन्यवाद करता हूं और विशेष रूप से उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनके कारण से ही, उनके आशीर्वाद से ही, उनके समर्थन से ही और उन्होंने जो हमको सरकार में आने का मौका दिया, उसके कारण से ही आज हम ये कानून बना पाए, समान नागरिक संहिता का जो एक्ट है, जो विधेयक है, उसको हम पारित कर पाए। इसके साथ साथ मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनकी प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में हमको आज ये विधेयक राज्य की विधानसभा में पारित करने का अवसर मिला और उनके मार्गदर्शन में हमने काम किया। हमको उन्हीं से प्रेरणा मिली। एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो उनका संकल्प है, उसी संकल्प को अपनी प्रेरणा मानते हुए हम आगे बढ़े और आज इसको विधेयक के रूप में हम प्रेरित कर पाए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का जो अवसर है, क्योंकि चुनाव के वक्त आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी यहां आए थे, उन्होंने भी हमारे, जब हमने इस बात को रखा था, हमारी पार्टी ने रखा था, उन्हीं के मार्गदर्शन में रखा था। यह कानून सबको एक तरह से समानता का कानून है, सबको एक रूपता का कानून है, सबकी एकता का कानून है, सबका समान अधिकार का कानून है। यह इसके बारे में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में गांव चलो अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्रियों और पार्टी के पदाधिकारियों को विशेष जिम्मेदारियां दी गई है। बीजेपी ने 9 फरवरी से 11 फरवरी तक गांव चलो अभियान शुरू किया है, जिसमें मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायकों और पार्टी के पदाधिकारियों को हर एक बूथ पर 24 घंटे बिताने के निर्देश दिए हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आने वाले लोकसभा चुनाव में आम जन को सरकार की योजनाओं के बारे में बताना है, साथ ही लाभार्थियों के साथ अनुभव साझा करना और समस्या का निराकरण करना है। जी।
नहीं, आज से हम 8 फरवरी को लाभार्थी संपर्क अभियान की प्रदेश कार्यकारिणी संपन्न कर रहे हैं। इसमें केंद्र से हमारे मनिंदर सिंह सिरसा जी इसमें मुख्य रूप से अतिथि के रूप में प्रतिभाग कर रहे हैं। इसी तर्ज पर लोकसभाओं की कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी, उसी तर्ज पर मंडलों की कार्यशाला आयोजित की जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी का यह लक्ष्य है कि हम अपने पूरे प्रदेश भर में अपने 56,000 कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम लगभग 10.5 लाख लाभार्थियों को बूथवार संपर्क करेंगे, उनके अनुभव साझा करेंगे, लाभार्थी परिवार होने के नाते उनके जीवन में किस प्रकार के बदलाव आए, उनके जीवन में किस प्रकार से मोदी जी की गारंटी ने असर किया है, उन सब बातों को लेकर चर्चा करके यह लाभार्थी संपर्क अभियान चलने वाला है। थोड़ा और उधर जाओ, सबकी आ जाइए ना सही। कर्णप्रयाग से बैजनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर रात करीब 12 बजे गैस सिलेंडर से लदा ट्रक गैस डिपो के पास टायर फटने से सड़क पर पलट गया, जिसमें 342 गैस सिलेंडर भरे हुए थे और ये ट्रक रुड़की से गैस सिलेंडर लेकर नारायण बगड़ गैस डिपो के लिए जा रहा था। ट्रक ड्राइवर ने बताया कि वो जब घटनास्थल पर पहुंचा तो सामने से एक कार आ रही थी, जिसके पास देने के समय उनके ट्रक का पिछला और दाहिना टायर अचानक फट गया, जिस कारण ट्रक अनियंत्रित हो गया और सड़क पर पलट गया। ट्रक ड्राइवर की सूचना पर नजदीकी ही गैस डिपो के सभी कर्मचारियों ने राहत और बचाव कार्य जारी रखा। गनीमत यह रही कि ट्रक पहाड़ी ढलान और पिंडर नदी में नहीं गिरा, वरना बड़ी घटना घट सकती थी। फिलहाल ट्रक ड्राइवर भी सकुशल है और गैस एजेंसी वाले गैस सिलेंडरों को एकत्र कर रहे हैं। सवा 11 बजे करीब तो हम लोग सब लोग जितने डिलीवरी मैन थे, हम लोग मौके पर यहाँ पहुँचे थे। इसमें 342 का लोड था, सिलेंडर तो ठीक है, अभी गिनती हो रही है और सप्लाई तो जाएगी। ड्राइवर वगैरह ठीक है, अभी अभी हॉस्पिटल ले जाएंगे, लेकिन अभी तो स्वस्थ है, वैसे तो आ जाएगी और ये खाली करके फिर इसको ले जाएंगे अभी ट्रेन को। कारण क्या रहा? कारण ये बता रहा, ड्राइवर बोला कार आई उधर से और उसका टायर फट गए नीचे काटने के चक्कर। और गोदाम से 1 किलोमीटर लगभग पहले मेरा राइट साइड का टायर फटा, सामने से कार आ गई। तो कार जो है मेरे बिल्कुल सामने थी, बस उसे बचाने के चक्कर में ही ऐसा हादसा हुआ। चोट वगैरह कुछ नहीं है सर, टायर फटने की वजह से ऐसा हुआ। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे आपके पास इस ब्रेक के बाद। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के अथक प्रयासों से देवभूमि उत्तराखंड में रेल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रदेश में पर्यटन, उद्योग और अन्य व्यापारिक गतिविधियों में तीव्र गति से विकास होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून से दिल्ली तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया, साथ ही उत्तराखंड के सभी रेल नेटवर्कों का विद्युतीकरण का कार्य 100% पूरा हो गया है। प्रदेश में रेल नेटवर्क को मजबूत करने के लिए लगभग 16,000 करोड़ की लागत वाली ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना पर भी तेजी से काम चल रहा है। अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना से हर्रावाला रेलवे स्टेशन का 30 करोड़ रुपए, रुड़की रेलवे स्टेशन का 29 करोड़ रुपए और लालकुआं रेलवे स्टेशन का 23 करोड़ रुपए से कायाकल्प किया जा रहा है। कुमाऊं के पहाड़ी इलाकों को जोड़ने वाली टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। डोईवाला से गंगोत्री यमुनोत्री रेल लाइन के सर्वे पर भी सहमति दी जा चुकी है। रेलवे ने बजट 2023-24 में उत्तराखंड को 5,004 करोड़ रुपए की सौगात दी है। इसमें हरिद्वार और देहरादून रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस करते हुए इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर रूफ टॉप का निर्माण किया जाएगा। मजबूत रेल नेटवर्क बन रहा है प्रगति और आधुनिकता का प्रमाण। डबल इंजन सरकार कर रही है सशक्त उत्तराखंड का निर्माण। स्वागत है आपका एक बार फिर ब्रेक के बाद, रुख करेंगे खबरों की ओर। उत्तराखंड में यूसीसी कानून के विधानसभा में पारित होने के बाद हल्द्वानी में कुमाऊं संभाग कार्यालय में नैनीताल जिले के भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट की मौजूदगी में मिठाइयां बांटकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आभार जताया।
जहां भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि यूसीसी बिल का प्रदेश की जनता को काफी समय से इंतजार था, जिसमें आज यूसीसी बिल के उत्तराखंड में लागू होने के बाद देश के अन्य राज्यों के लिए मिसाल बन गया है, क्योंकि यूसीसी के बिल में सभी वर्ग धर्मों के लिए समान कानून बन गए हैं और प्रदेश की जनता एक समान कानून की छत्रछाया में आ गई है, जिसमें महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में उन्हें भी बराबरी का हक मिल गया है। अब महिलाएं भी खुलकर अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकती हैं। वहीं इस कानून को लेकर महिलाओं का कहना है कि अब धामी सरकार के यूसीसी ड्राफ्ट के विधानसभा में पास कर महिलाओं का सम्मान बढ़ाने का काम किया है, जिसमें खासकर धर्म विशेष की महिलाओं को यूसीसी का फायदा मिलेगा, जिससे बहुविवाह प्रथा पर रोक लगेगी। आज हम सबके लिए ये ऐतिहासिक क्षण है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोकसभा में यूसीसी कानून पारित किया, तो इसके लिए मैं सभी उत्तराखंड वासियों को बधाइयां देती हूँ, क्योंकि ये जो हमारी महिलाओं के लिए है ये आज ऐतिहासिक क्षण है। हमारी महिलाएं इससे और अधिक सक्षम होंगी और समाज में अवसर उठाकर जिएंगी। महिलाओं को कहीं ना कहीं एक यहाँ पर सहारा मिला इस कानून के तहत, क्योंकि जो कुरीतियां थी धर्मों में वो कहीं ना कहीं खत्म हुई है, अब महिलाओं को भी सम्मान मिलेगा, अधिकार मिलेगा। जी, ये महिलाओं के हित में ये कानून पारित हुआ है, क्योंकि जैसे बाल विवाह होता था और दहेज के लिए उत्पीड़न किया जाता था और हमारी महिलाओं को मन मर्जी से तलाक दिया जाता था, तो इसके लिए ये हमारी महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा कानून। धामी जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने आज इतने सालों से लंबित जो यूसीसी कानून था उसको आज लोकसभा में पारित किया, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद। पहले मैं अपनी टीम लेकर बहुत धन्यवाद दूंगी, प्रदेश आई कमल को बहुत धन्यवाद दूंगी, आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर सिंह धामी जी को बहुत धन्यवाद दूंगी, क्योंकि जिनके द्वारा बहुत सारे मुद्दे में बहुत अच्छे डिसीजन लिए गए हैं। ऐसा नहीं कि नकल विरोधी कानून की मैं बात करूँ, चाहे सभी वृद्धावस्था पेंशन भी देखो दोनों पार्टनरों को दी जा रही, 3 सिलेंडर मुफ्त दिए जा रहे, बहुत सारे उन्होंने निर्णय लिए और आज यूसीसी जो पास हो गया है तो निश्चित रूप से इसलिए मैं बधाई दूंगी, क्योंकि भारतवर्ष का जो उत्तराखंड पहला राज्य बना इसके लिए भी हम लोगों का बहुत गर्व का विषय है। और आर्टिकल अगर 44 की अगर मैं बात करूँ तो उसमें भी यही कहा गया है कि भाई हर स्टेट को अपने यहाँ इस चीज को लागू करना चाहिए, लेकिन आज आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड को पूरे भारत में पहला राज्य बना, इसके लिए मैं उनको बहुत उनका आभार व्यक्त करूंगी। निश्चित रूप से आपने देखा कि कानूनी दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूँ, एज ए लॉयर अगर मैं बात करूँ, तो कानून के दो ही मामले होते हैं, या तो सामाजिक होते हैं या आपराधिक मामले होते हैं। आपराधिक मामलों में आपने देखा चाहे हत्या हो, चोरी हो, डकैती हो, सबके लिए कानून बने, एक ही कानून है, लेकिन सामाजिक मामले हैं चाहे विवाह हो, विवाह विच्छेद हो, या प्रॉपर्टी का बंटवारा हो, या कोई भी सामाजिक विघटन इससे होता है, तो इसके लिए कोई एक कानून नहीं था। इसमें क्या था, लोग क्या करते थे, इसमें एक तो हम लोगों से असमानताएं आती थी, और दूसरी बात अगर मैं कहूँ तो इसमें ये था हमारा समाज कहीं ना कहीं बढ़ रहा था और लोग अपने धार्मिक ग्रंथों का सहारा ले रहे थे, जो कि ठीक नहीं, वो चीज ठीक नहीं है, तो इसीलिए इसके लिए कानून बनना बहुत जरूरी था। कानून की दृष्टि में सारे नागरिक समान है। अगर भारतीय जनता पार्टी भारतीय संविधान को भी उठाकर देखते हैं, उसकी पहली विशेषता हम देखें कि अनेकता में एकता ही है, ये सब बच्चा बच्चा इस चीज को जानता है, तो आदरणीय धामी जी ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, हमारे मुख्यमंत्री हैं, और मैं उनको बहुत उनका आभार व्यक्त करती हूँ, पूरे उत्तराखंड की जनता की तरफ से उनका आभार व्यक्त करती हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। आजादी के बाद देखिए राम मंदिर पूरा भगवा भगवा हुआ था, सभी लोगों ने, बल्कि मैं तो कहूंगी जो विपक्ष के लोग हैं उन्होंने भी अपने घर में भगवा झंडा लहराया था, क्योंकि श्री राम जी का मंदिर अयोध्या में होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। हमारी पार्टी हर मुद्दों पर डिसीजन लेंगे। थैंक यू। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं उनके कुशल नेतृत्व में, और माननीय प्रधानमंत्री पुष्कर सिन्हा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक कार्य होने जा रहा है, इसलिए पूरे शीर्ष नेतृत्व को और उत्तराखंड की सरकार को और इस देश में यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। निश्चित तौर पर ये कदम महिलाओं के जीवन में अमूलचूल परिवर्तन करेगा, क्योंकि ये इतिहास रचने का कार्य आज़ादी के इतने वर्षों बाद हुआ है और जो पहले ही हो जाना चाहिए था, निश्चित तौर पर इस समाज को दिशा देगा और महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाएगा। महिलाओं को वो अधिकार मिलने जा रहे हैं जिसका वो हकदार हुआ करते थे उत्तराखंड के अंदर, वो नियम लागू कर दिए, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, किसी भी समाज की हो, उनको समान भाव से नहीं देखा गया, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण कदम
प्रदेश की सरकार का है और ये एक पूरे देश में नजीर भी साबित होगा, क्योंकि इतिहास रचने का काम पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ने किया है। इसलिए मैं यशस्वी मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं और जो अभी उसके विधेयक के सामने कुछ अंश आए हैं उसको देखकर लगता है कि निश्चित तौर पर चाहे समाज की जो महिलाएं हमारी पिछड़े वर्ग में थी और विभिन्न धर्मों में भी थी, उन जातियों में भी थी, तो उनको सबको समान भाव से आगे बढ़ने के अवसर इस विधेयक के माध्यम से प्राप्त। हमारी पार्टी बनी तब से हमारी मांगों में सब बड़े मांग रही समान नागरिक संहिता की, और ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसमें शुरुआत करी है। और जो है जो अभी तक जिनको अपने अधिकार नहीं मिले थे, जिन महिलाओं को अधिकार नहीं मिले, जिन बच्चों को अपने अधिकार नहीं, उनको पहली बार अपने अधिकार मिलने से बड़ी खुशी की बात हो गया जी। क्या कहना चाहेंगे महिलाओं को दिए जो यहाँ पर जो कानून बनाए गए हैं, कितना फायदा होने जा रहा है और उत्तराखंड कहीं ना कहीं नजीर बन सकता है पूरे देश के लिए? देखिए पूरे देश के लिए उत्तराखंड एक नजीर बन रहा है, जो उत्तराखंड का कानून बना है वो आप देखें ना, पहले हमने नकल कानून बनाया हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने, वो आज पूरे देश में लागू किया जा रहा है। आज हमने समान नागरिक संहिता इसी को लेकर आगे बनाया, महिलाओं के लिए जो देखिए ना समान नागरिक संहिता जो महिलाओं के लिए की गई है, जैसे सभी को बराबर अधिकार, प्रॉपर्टी में अधिकार दिया, दायित्व का अधिकार, दत्तक लेने का अधिकार दिया, शादी विवाह का एक कानून बनाया, लिविंग रिलेशन तक को उन्होंने मॉडिफाई करा, बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी विवाह संभव नहीं है, रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है, जिससे आगे तलाक और उसमें बहुत चीज़ों में आसानी होगी और जमीन की प्रॉपर्टी में बंटवारे में बहुत आसानी होगी, कोई विवाद नहीं होगा। इसी बीच रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे आपके पास इस ब्रेक के बाद। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर आगे बढ़ रही है। मेरा विश्वास है ये दशक उत्तराखंड का दशक होने वाला है और जो भारत को देखना चाहता है वो उत्तराखंड आए बिना भारत को देखना उसका पूरा नहीं हो सकता। डबल इंजन सरकार द्वारा प्रदेश को प्रत्येक क्षेत्र में समृद्ध बनाने की दिशा में कई समावेशी विकास योजनाएं संचालित की जा रही हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कुमाऊं भ्रमण के दौरान प्रदेशवासियों को लगभग 4,200 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात दी है, जिससे सरकार द्वारा संचालित कृषि, शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, पेयजल व खेल आदि क्षेत्रों को गति मिलेगी, जिनका प्रत्यक्ष लाभ राज्य के निवासियों को प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आदि कैलाश, पार्वती कुंड और जागेश्वर धाम के दर्शन से उत्तराखंड में तीर्थाटन और पर्यटन दोनों को नया आयाम तो मिला ही है, साथ ही मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की महत्वाकांक्षी मानसखंड मंदिर माला परियोजना को नया संबल मिला है। इससे पूरे राज्य में रोजगार के नवीन अवसर सृजित होंगे और स्थानीय निवासियों की आय में बढ़ोतरी होगी। डबल इंजन सरकार ने लिया है प्रण, उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाएंगे हम। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद रुख करेंगे खबरों की ओर। कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने ठिकानों पर ईडी की छापेमारी के बाद अब टीम ने काशीपुर स्थित भाजपा नेता के आवास पर छापेमारी की है। इसके बाद भाजपा नेताओं में हड़कंप मच गया है। प्रवर्तन निदेशालय की टीम काशीपुर स्थित भाजपा जिला मंत्री अमित सिंह के आवास पर छापेमारी करके पहुंची। अचानक भाजपा नेता के घर ईडी की छापेमारी से जहां एक ओर काशीपुर की सियासत में हलचल मच गई है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा नेता के घर ईडी की रेड पड़ने से क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। भाजपा नेता के यहां ईडी की इतनी बड़ी कार्रवाई को पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने ठिकानों पर पड़ रहे छापों से जोड़ा जा रहा है। उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित होने पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने अपार खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि आज उत्तराखंड जैसे छोटे राज्यों ने देश में इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण कार्य को किया है। उत्तराखंड विधानसभा के सभी सदस्यों को विधेयक पारित करने व सत्र को सुव्यवस्थित संचालित करने में सहयोग के लिए हार्दिक बधाई और धन्यवाद प्रदान उन्होंने किया है। आज उत्तराखंड के सदन में
समान नागरिक संहिता पास हुआ है। मैं सभी उत्तराखंड वासियों को और देश के वासियों को बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। एक बहुत ही बढ़िया कानून, वंचित के लिए, गरीब के लिए, महिला के लिए आज उत्तराखंड कानून सरकार द्वारा सदन में लाया गया था, उसे हमने आज पारित किया है। ये देश को सशक्त करेगा, मेरी बहन को सशक्त करेगा, महिला को सशक्त करेगा और पूरे देश में एक नजीर पेश करेगा। एक छोटा सा राज्य है उत्तराखंड और यहाँ के युवा मुख्यमंत्री जी ने यह निर्णय लिया कि यूसीसी हम लेकर आएंगे, जिसमें हम महिलाओं के हित की बात करेंगे, उस वंचित वर्ग की बात करेंगे जिसकी आज तक कहीं सुनवाई नहीं हुई। तो जहाँ प्रॉपर्टी राइट्स हो, अडॉप्शन हो, मैरिज राइट्स हो, डिवोर्स राइट्स हो, ये सारी राइट्स लीगली अब मेरी बहन को मिलेंगी। धर्म और जात से ऊपर उठकर एक कानून लाने का प्रयास जो आज उत्तराखंड सरकार द्वारा हुआ है वो आज सदन में पारित हुआ है। मैं सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। धन्यवाद। इसी बीच रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे आपके पास उस ब्रेक के बाद। सैनिकों के कल्याण के लिए हर वक्त तत्पर है उत्तराखंड सरकार। पूर्व सैनिकों को राज्य सरकार की सेवाओं में दिया गया है क्षैतिज आरक्षण। शहीद सैनिकों के परिजनों को सरकारी सेवाओं में सेवायोजन में वरीयता देने का किया गया है प्रावधान। शहीदों की पत्नियों और उनके आश्रितों के पुनर्वास के लिए दिया जा रहा है कौशल वृद्धि एवं रोजगार परक निःशुल्क प्रशिक्षण। युद्ध में घायल सैनिकों और परिजनों को एक मुश्त दी जा रही है 2,00,000 रूपए की सहायता। विभिन्न युद्धों और आंतरिक सुरक्षा व सीमांत झड़पों में शहीद सैनिकों के आश्रितों को उत्तराखंड शहीद कोष से दी जा रही है 1,10,00,000 रुपए की धनराशि। उत्तराखंड बन गया है वीर सैनिकों को सबसे अधिक अनुदान देने वाला राज्य। उत्तराखंड के वीरों का देश के लिए शहादत में बड़ा योगदान रहा है। ये वीरों की भूमि है। हम शहीदों के परिजनों के लिए हर सुविधा देने के लिए कटिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं। सरकार से मिले सम्मान और सुविधाओं से लेकर सैनिक हैं बेहद खुश। राज्य सरकार पूर्व सैनिकों के लिए अनेक सी योजनाएं संचालित कर रही हैं, जिसमें कि गृह कर में छूट, स्टाम्प ड्यूटी में छूट, स्कॉलरशिप में छूट और राज्य दिन सेवाओं में आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार अपने रणबांकुरों की याद में उत्तराखंड में 5वें धाम के रूप में बनाने जा रही है सैन्य धाम। सैन्य धाम निर्माण के लिए शहीदों के आंगन से लाई गई मिट्टी को सैन्य धाम में बनने वाली अमर जवान ज्योति की नींव में रखा गया है। देव भूमि के साथ ही वीर भूमि भी है उत्तराखंड। सैनिकों का सम्मान है देश का सम्मान। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुख करेंगे खबरों की ओर। उत्तराखंड में विधानसभा में पास होने के बाद उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने इस बिल पर ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी ने सही मायने में महिलाओं की उनके अधिकार सुरक्षित करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि इस बिल के आने से अल्पसंख्यक महिलाओं के उत्पीड़न और हिंसा में काफी रोक लगेगी। किसी को भी इस बिल का विरोध नहीं करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि वह प्रदेश हित में लाए गए इस बिल का पूरी तरह से स्वागत करते हैं। मुस्लिम समाज सहित अन्य महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा और क्या कुछ उन्होंने अपने बयान में कहा, आप भी सुनिए। न्यायपालिकाओं में चल रहा है और एक सिंगल चाबी है। ये कानून जो बनाया है उत्तराखंड सरकार ने बहुत सोच समझ करके और काफी समय इसमें लगा। 2022 के चुनाव में कानून की घोषणा हुई थी और इसमें एक कमेटी का गठन सरकार ने किया रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में। उस कमेटी ने प्रत्येक शहरों में जाकर के हर व्यक्ति से मिलकर के, चाहे वो बुद्धिजीवी हो, मौलवी हो, या एनजीओ हो, या सामाजिक कार्यकर्ता हो, या राजनीति दल के लोगों से राय मशवरा करके उनकी आपत्तियां जो आई थी उन आपत्तियों का निर्धारण किया गया और आपत्तियों के निस्तारण करते हुए सबकी राय इस बिल में शामिल की और सरकार ने सबकी राय लेते हुए इस बिल को बनाया और बना करके इसको विधानसभा में पास कराया जी। आज विधानसभा में ये बिल पास हुआ है और इससे सबसे बड़ा जो लाभ मिलेगा मुस्लिम समाज को मिलेगा। मुस्लिम समाज की महिलाओं को अगर आज़ादी के बाद अगर उनका हक मिला है तो वो उत्तराखंड सरकार ने
पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री जी ने दिया है ये बिल पास करके, क्योंकि सबसे ज़्यादा पीड़ित थी मुस्लिम समाज की महिलाएं, क्योंकि उनको ना तो अधिकार पुरुष प्रथा का मिलता था, ना उनको घरेलू हिंसा में कोई न्याय मिलता था, ना उनको तलाक होने के बाद दूसरी शादी आदमी करता था उसमें उनको न्याय नहीं मिलता था, 16 साल की उम्र में उनकी शादी बच्चियों की कर दिया करते थे, तो इसमें भी विराम लगेगा, 18 साल कम से कम वो शिक्षित होगी, इंटर तो पास कर पाएगी, शिक्षित हो होगी तो 18 साल की उम्र में उसकी शादी होगी। तो इस कानून से मुस्लिम समाज में जो एक भयंकर उत्पीड़न हो रहा था महिलाओं का, उनका उन महिलाओं को अपने अधिकार मिले हैं और हम इस कानून का समर्थन करते हैं और मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ये बिल को लाए। और मैं चाहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में इसको लागू करें जिससे कि पूरे देश की महिलाओं को इसका सम्मान मिले। बहुत अच्छा कानून लागू हो रहा है, हमारे जो यहाँ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं श्री पुष्कर सिंह धामी जी जो हैं, उन्होंने बहुत अच्छा कानून लागू कराया हम जैसी महिलाओं के लिए, क्योंकि मेरे अभी हस्बैंड ने पहली शादी तो उनकी हो चुकी, दूसरी मुझसे करी है, तीसरी उन्होंने किसी और लड़की लेके चले गए जिसके साथ में वो रह रहे हैं। अब मेरा कुछ मैं चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले, एक कानून लागू हुआ है तो इसके लिए तो मैं समर्थन में हूँ इस कानून के। कानून में कहीं ना कहीं महिलाओं का ध्यान दिया गया है, समय सीमा भी तय कर दी गई है, शादी को लेकर भी उसमें क्या है कि एक ही शादी वैध होगी। किस तरह देखती हैं हम लड़कियों के लिए, ये जो होते हैं ना ये मर्द लोग ये ऐसे ही करते हैं जी, दिल तोड़ते हैं, परेशान करते हैं लड़कियों को। और मेरा तो वैसे भी इन्होंने, मैंने कुछ पैसे भी दिए हैं दहेज के, हमारे भैया ने बहुत ज्यादा सब कुछ करा है इन्होंने, फिर भी हमारे साथ में इतना धोखा करे और 420 करके हमारे साथ भाग गए हैं। शायद ये बताइए क्योंकि आप सब धर्म एक छत के नीचे आ जाएंगे तो इसको कैसे देख रही हैं? ये बहुत अच्छी बात है, ये तो सब धर्म एक साथ भी हो गए और कानून एक सा ही होना चाहिए सब धर्म के लिए जी, ताकि कोई आगे ऐसा कदम ना उठा सके। शादी के लिए जो समय सीमा है वो 18 वर्ष कर दी गई है महिलाओं के लिए, इसको क्या देखते हैं लड़कियों की? जी ये भी बढ़िया है, और एक ही शादी जो है वो माननी होगी, एक ही शादी माननी होनी चाहिए। ये गलत तो है ही कि दो शादी कर लेते हैं और एक दूसरे को समझते पहली को छोड़ के भाग जाते हैं, उसी कोई वैल्यू नहीं करते हैं ये लोग। तो धामी जी का कैसे धन्यवाद देना चाहती हैं जी? मैं उनका बहुत बहुत उनकी आभारी हूँ कि उन्होंने ये कानून लागू करा है, उनके मैं समर्थन में भी हूँ, उनकी बहुत आभारी हूँ कि मुझे इंसाफ भी मिले इस कानून के जरिए। क्या सुनाम है आपका? जी मेरा नाम शाजिया, मैं उत्तराखंड जवाहर नगर की रहने वाली हूँ। ठीक, सिंगल चाबी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही, आपसे लेंगे विदा।